इसका चलो हम लोग मीन निकालते हैं, क्लास इंटरवल देके रखा हुआ 10, 20, 30, 40 से एफ आई फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है, 5, 8, 10 ऐसे के दिया हुआ है। हम लोग एक्साइज कैसे निकालते थे, ये दोनों को जोड़ के बाय 2 करते थे, मैंने 10/20, 30/2 15 हो जाएगा, फिर 20/30 पैसा जाएगा तुम्हारा, बाय 2 करेंगे तो इसी तरह का करेंगे तो बाय 2 करेंगे 70/2 ठीक है। ऐसे के हम लोग निकाल लिए इसको, अब क्या करना है, नॉर्मल मेथड ये हम लोग नॉर्मल मेथड से बना रहे हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करो इसको एफ आई एक्स आई 72 ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा समअप कर लेंगे 23/20 और इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, मतलब 23/20 डिवाइडेड बाई 50 ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रे, इसको नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा 464 ये बन जाएगा 100 में जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो चल जाएगा, दैट इज 46.4 हो जाएगा। ये मेरा मीन निकला, ये नॉर्मल मेथड से मेरा मीन निकला ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टाइप बनाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से ठीक है। देखो हमारा मीन कितना निकला था 46.4, अभी हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको बनाएंगे फिर से। तो क्या करना पड़ता है, इसमें से क्या करो, कोई भी अपने मन से एक मीन क्या करो, एज्यूम कर लो, क्या मन मानना है, 45 मानना है ठीक है। चलो 45 मान लिए, ये हुआ 45। चलो भैया इसका नाम क्या करेंगे रे, ए, इसका नाम क्या करें ए। अब क्या करते थे याद है ना सिस्टम, हम लोग एक नया डी आई निर्माण करते थे जो कि बराबर होता था एक्स आई माइनस ए, मतलब सब के साथ जो है ना इसको घटाना पड़ेगा। चलो रे घटाओ जल्दी बराबर, देखो क्या क्या होता है, घटाओ रही माइनस 30 घटा, इसमें इसको घटाना ध्यान रहे, ये बाद में आना चाहिए, माइनस 30 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 50 आएगा, आएगा नहीं बताओ ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ आई डी आई करेंगे ठीक है, एफ आई डी आई करेंगे, एफ आई डी आई करो मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो करो फटाफट जल्दी, कितना करें, माइनस 150 और ये 160 ये माइनस 100 ये तो 0 साथ तो खत्म हो जाएगा, और ये 60 ये 240 हाँ 240 180 अरे समअप करना आसान है, कैसे होगा देखो, यहाँ पर 2 × 1 = 300 इधर का देखो 100 100 100 300 फ्रीज हो गया, बच गया तेरे पास 50 60 कितना 110 बचा ना, इधर कितना बचा, इधर 120 था, इधर माइनस 110 था, कितना होगा 10 बजे याद करो मीन इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय क्या रे, सिग्मा एफ आई, ए मेरा कितना हो गया रे 45 मान लेते हैं ठीक है, जोड़ सिग्मा एफ आई डी कितना है रे सर 70 आएगा एफ आई डी आई, 60 प्लस करेंगे किसको किसको 60 बच गया, 60 प्लस करना होगा, एडिंग गड़बड़ हो गया क्या, हाँ 70 आएगा 70 आएगा 70 आएगा ना, हाँ अरे 70 आएगा 70 आएगा 70 आएगा ना, हाँ चलो ठीक है, दिस इज 70/50 कितना आ जाएगा, 45 हुआ, ये कितना हो जाएगा देखो, कितना हो जाएगा, दिस इज 70/50 अब इसको जरा इधर सॉल्यूशन कर लेते, कितना हो जाएगा रे 45 जोड़ 60/5 कितना होगा रे 1.4 नहीं रे 70 ठीक है। देखो कितना आएगा घुरा फिरा के 46.4 देखो वही वही चीज आ रहा है ना, समझ समझ में आया। चलो हम लोग एज्यूम मीन मेथड सेकंड टाइप उससे देखते हैं निकाल के इतना ही मीन आता है कि नहीं आता है। अभी तो हम लोग डी आई निकाल चुके हैं, अब याद करो हम लोग क्या करते थे, एक नया फिर बनाते थे यू आई, हम लोग इसमें क्या करते थे डी आई डिवाइडेड बाई क्या करते थे एच करते थे ना, एच एच मतलब इसका बीच में जितना डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है ना, एच इक्वल टू यहाँ देख लो, एच इक्वल टू यहाँ 10 हो जाएगा तुम्हारा। देखो यार इसको फिर क्या करना है, सबको 10 से देखो भाग भी लग जाएगा, बोलो कितना कितना आएगा, -3 -2 -2 -1 -1 0 0 1 2 3 होगा ना। अब फिर लास्ट में हम लोग क्या करते थे, अब यू आई एफ आई निकालते थे, यू आई एफ आई निकालते थे, चलो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है
करो ये मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस 15 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 10 दिस इज 0 दिस इज 10 दिस इज 24 और दिस इज 18 18 ठीक है देखो 24 और 6 हो गया 30 इधर का 10 10 10 माइनस 30 मर गया तो इधर हो गया कितना रे माइनस 2 11 माइनस 11 इधर प्लस 18 तो कितना बच जाएगा रे 7 बच जाएगा 7 बच जाएगा ठीक है दैट इज सिग्मा UIFI ब्रदर को कितना छोटा नंबर में चेंज हो गया ठीक है अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मीन का रे जिसको घटाए थे उसको जोड़ना पड़ता था a प्लस सिग्मा एफ आई दिस टाइम यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इन टू एच होगा कि नहीं चलो a मेरा कितना था 45 जोड़ ये कितना करे 7/50 गुना 10 ये फिनिश अब देखो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस तो 7/5 फिर से तो 1.4 हो गया घुरा फिरा के 46.4 आ गया कोई मेथड से बनाओ उतना ही होगा।